बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू राज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का मेथड सॉल्व करने का मेथड डिस्कस किया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में पहली एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो बाई कंप्यूटिंग स्क्वायर। कंप्यूटिंग स्क्वायर में सबसे पहला जो हमने काम देखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो वन होना चाहिए। इस वक्त तो लकीली वन है, लिहाजा हमें ज़रूरत नहीं होगी उसको वन करने की। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन वन पहले से ही है। अगर होता तो हम इसे डिवाइड कर, ना होता तो हम इसे डिवाइड करके वन बनाते हैं। अगला टर्म जो है, अगला काम जो है, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले दें। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर क्वेश्चन वन होना चाहिए, वो पहले से ही था। दूसरा स्टेप ये कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर ले जाएँ। तीसरा स्टेप है जो एक्स का क्वेश्चन है इसका हाफ करें जी। x का कोएफिशिएंट है माइनस थ्री और इसका हाफ क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू। फिर इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। अब इसकी रीज़न पता बताई हुई है पहले भी, लेकिन अब फिर पता चल जाएगी कि जब आप करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं या a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक ट्वाइस आता है। अभी हम देखते हैं वो कैसे आता है। तो आप करेंगे लिखेंगे क्या, एडिंग। अगर आपको ये प्रॉब्लम, वैसे तो ये डायरेक्ट ही कर देना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट जो है उसका हाफ कर देना, लेकिन अगर फर्ज करें नहीं आपको पता चल रहा तो एक्स स्क्वायर यहाँ टू अपने पास से लगाएं इनटू एक्स। अब आप देखें ये जो है आपके पास थ्री है तो यहाँ अगर आप थ्री बाई टू करेंगे तो ये बैलेंस होगी। ये बात फॉलो कर ली आपको, यानी अगर आप यहाँ पर 3 बाई टू करते हैं तो ये 2 2 से कैंसिल होकर दोबारा ही आ जाता है। तो ये बेसिकली उसका हाफ ही हो जाता है अगर आप ये माइनस 3 बाई टू कर लें। तो आपने देखा कि हो क्या गया, यानी मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये देखिए ना, उसके बाद आपके पास आना है टू ए बी। टू यहाँ पे नहीं था, वो टू मैंने बनाया है लगाया है तो फिर मुझे टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर है, ये टू आ गया और ये ए, और जो बाकी बच जाएगा वो बी होगा, और जो बचेगा वो एक्चुअली क्या, कौन सी चीज़ बचेगी, वो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ बचेगा। ये बी हो गया, अब ए स्क्वायर भी हो गया प्लस टू आपने बना लिया, ए भी है और बी भी है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको बी स्क्वायर चाहिए, लिहाजा बी स्क्वायर ऐड करेंगे आप दोनों तरफ। एडिंग, माइनस थ्री बाई टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर और उधर फोर है, फिर माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर। तो इनफैक्ट होता क्या है कि इस फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाती है तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। अब ये देखिए, अगर आप उसके साथ कंपेयर करें इसको, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर। चूँकि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का आपने स्क्वायर कंप्लीट किया है, इसलिए इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, फोर प्लस नाइन बाई फोर। ये याद रहे कि अगर आपने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया तो फिर ये माइनस बी का पार्ट होगा। अब आप राइट हैंड साइड का ज़रा एलसीएम लें, वो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर और यहाँ बेसिकली वन है, जब ये वन फोर पर डिवाइड करेगा तो फोर आएगा, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, फोर फोर पर डिवाइड करेगा वन आएगा और वन नाइन।
16 प्लस 9 किसके इक्वल होता है? ये अब आ जाएगा 25 ओवर 4, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेंगे, x माइनस 3 बाई 2 और उधर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 5 ओवर 2। ये बात क्लियर होगी, x माइनस 3 बाई 2 और उधर आ जाएगा प्लस माइनस 5 बाई 2। और हम ये इस यहाँ मुकम्मल कर लेते हैं, ये अब आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 बाई 2 राइट साइड पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 बाई 2 और प्लस माइनस 5 बाई 2। यहाँ से दो 2 अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5। x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 माइनस 5 बाई 2, एक x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 5 बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई है माइनस 2 ओवर 2, और ये x की वैल्यू आ गई है 8 ओवर 2। ये x की वैल्यू आ गई माइनस 1, और ये x की वैल्यू आ गई 4। और इसका फिर सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है माइनस 1 और 4। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको मेथड जो है वो ज़रा पक्का हो जाए। जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल 0। हम सबसे पहले अपनी आसानी के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। इधर हर टर्म के नीचे 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2 माइनस 3 बाई 2 और 0 ओवर 2 0 बन जाएगा। ये 2 2 से कट के क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 एक्स, और ये जो माइनस 3 बाई 2 है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे वो 3 बाई 2 बन जाएगा। सिचुएशन उसी किस्म की हो गई है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें a पता करना है और b पता करना है। a तो पता है वो क्या है, a आपको x नज़र आ रहा है क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ फार्मूला चूँकि स्क्वायर कंप्लीट करना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2 है नहीं तो 2 हम बनाते हैं, यानी x स्क्वायर यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं, a आएगा x और बाकी जो कुछ बच जाए वो b बनेगा। एक तो बाकी एक नेगेटिव साइन बचना है, एक बचना है 5, और ये 2 मौजूद है, एक 2 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए 5 बाई 4 हो जाएगा। देखें अब ज़रा ये 2 इसको काट दे तो माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा और वही चीज़ बन जाएगी। आपने सिंपली ये करना होता है क्योंकि ये फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, a आपके पास मौजूद होगा, 2 आपने खुद लगाना है और a जो यहाँ है जो पहले यहाँ पे a था, a का स्क्वायर था, वही a लग जाएगा, जो बाकी बच जाएगा b होगा। और जो बाकी b बचता है ना वो हमेशा होता है ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ होता है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ होता है। हाफ इसलिए होता है कि 2 यहाँ पे लगाया होता है फार्मूला बनाने के लिए, जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसने हाफ होना होता है, ठीक है, वो b हाफ हो जाता है। तो x का कोएफिशिएंट माइनस 5 बाई 2 है, उसका हाफ हो जाएगा माइनस 5 बाई 4, वो आपके सामने हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है b स्क्वायर, और b जो है वो x के कोएफिशिएंट का हाफ है, फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही अब हम एडिंग माइनस 5 बाई 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 5 बाई 4, और प्लस आपने करना है माइनस 5 बाई 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करना है, 3 बाई 2 पहले से मौजूद है और प्लस माइनस 5 बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये तो बन गया ए स्क्वेयर प्लस टू ए टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये तो बड़े आराम से ए प्लस बी का स्क्वेयर बन जाएगा। बी के अपना ही साइन जो है वो नेगेटिव साइन है ना, माइनस फाइव बाई फोर है, और उधर आप देखें तो वो क्या बनेगा थ्री बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस फाइव का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव और फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, ये आपके पास आ जाता है। और अगर आप राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं तो वो बनता है सिक्सटीन। अब टू और सिक्सटीन का एलसीएम सिक्सटीन, सिक्सटीन को टू पे डिवाइड करें एट, एट को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर, सिक्सटीन को सिक्सटीन पे डिवाइड करें वन और फिर ये ट्वेंटी फाइव, और अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो ये बन जाएगा 49/16। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, ये याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी x माइनस फाइव बाई फोर का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस 49/16 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा x माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू फाइव बाई फोर प्लस माइनस 7/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 5 प्लस माइनस 7, तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 7/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 7/4, ये x की वैल्यू आ गई माइनस 2/4 और ये x की वैल्यू आ गई 12/4, ये x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2 और ये x की वैल्यू आ गई 3, तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा निकला वो माइनस 1/2 और 3। तो बच्चों ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बुक में दो एग्जांपल्स ही वो हमने सॉल्व करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस मेथड से के एक्सरसाइज के कुछ, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इस मेथड के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।